सो वेलकम टू सिंगिंग सिर्फ ब्लॉग गाइस, मैं हूं जय और आज आप लोगों को लेके जा रहा हूं भारत दर्शन पार्क। सो गाइस, मैं भी इस लोकेशन पे फर्स्ट टाइम जा रहा हूं, तो मुझे नहीं पता मुझे रास्ते में जो है क्या क्या मिलने वाला है और वहां पे मुझे क्या क्या दिखेगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो भी होगी तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में डिटेल से, तो वीडियो में बने रहें अंत तक। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं हमारे पीछे इधर की साइड भारत दर्शन पार्क का गेट है एंट्रेंस गेट, और इस गेट का नाम क्या है वो हमको बता देंगे अभी। तो फिलहाल मैं पहले हेलमेट वगैरह उतार लेता हूँ, बाइक को पार्क करवा देता हूँ, उसके बाद आप दोबारा आते हैं। तो गाइस, फिलहाल हम लोग लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी राहुल लाइन में लगा हुआ है और राहुल अभी यहाँ टिकट काउंटर से टिकट ले रहा है हम दोनों के लिए। तो गाइस, यहाँ पर काफ़ी देर के बाद राहुल को टिकट्स मिल गई हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एक जने की टिकट जो है 150 रुपये की पड़ी है संडे को, वैसे नॉर्मल डेज में ये हमें पड़ती है 100 रुपये पर बंदे के हिसाब से। और अभी यहाँ पर भीड़ देखिए कितनी सारी है, और यहाँ से हम आपको आगे ले जाके दिखाएंगे पार्क के गेट का आउटर व्यू। यहाँ पर लिखा हुआ है BDP यानी कि भारत दर्शन पार्क, और सामने अच्छे से पेंटिंग वगैरह बना के मस्त सजाया हुआ है और लिखा हुआ है भारत दर्शन पार्क। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक वेस्ट जो है आयरन से यूज़ करा हुआ एक बर्ड बनाया हुआ है, और सामने हमें कलरफुल लैंप्स दिख जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है देखने में, और यहाँ पे कलरफुल टायर्स भी दिख जाते हैं जिन्हें तिरंगे के रंग में रंगा गया है। सामने देखें तो गेट के बाहर हमें एक EV दिख जाती है। गाइस, मैं बता दूँ, ये जो EV के चार्जेस हैं हमारे टिकट्स में ही होते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं और इसमें भी घूम सकते हैं। तो फिलहाल ये मेरे आगे चल रहा है राहुल जो कि मेरे साथ में आया है, आप लोग जानते ही हैं, और ये है हमारा यहाँ का सबसे पहला जो गेट हमें दिखा है जो कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। ये है हमारा तवांग गेट जो कि पहली हिस्टोरिकल चीज़ हमें यहाँ पे दिख जाती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अंदर चलते हैं और यहाँ से देख सकते हैं गेट का लुक कुछ इस तरीके का है, और लेफ्ट होते हैं तो हमें यहाँ पर दिख जाता है एक प्यारा सा ट्री टाइप का स्ट्रक्चर जो कि सोलर प्लेट से बना हुआ है, और यहाँ पे जो लाइट शो होता है उनके लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो इसमें जमा होती है, अंदर रात में शो होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पैर से वेंडिंग मशीन लगी हुई है, और सामने देखे तो हमें दिख जाता है यहाँ से व्यू गेटवे ऑफ इंडिया का, देन राइट होते हमें यहाँ पे दिखता है एक नेम प्लेट जिसमें लिखा है श्री अमित शाह द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है, और देन अब सबसे पहले देखते हैं ओरिजिनल डिटेल्स गेट्स ऑफ इंडिया की, जिसे हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या इसकी क्लोन डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। साथ ही हम आपको दिखाते हैं इसका फर्स्ट लुक काफ़ी क्लोज से कि कैसा ये दिखता है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल लुक जो है यहाँ पे आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से इसे बनाने की कोशिश की गई है। सो गाइस, नेक्स्ट थिंग देखते हैं क्या होने वाली है। तो यहाँ से हमें बहुत प्यारा सा एक वाटरफॉल दिख रहा है सामने, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वट वृक्ष है जिसका ओरिजिनल डिटेल यहाँ पर दिया गया है, इसका कॉपी डिटेल है कि यहाँ पे कैसे बनाया गया है, क्या चीज़ें यूज की है। तो काफ़ी सुंदर था यहाँ पे फाउंटेन वर्क जो किया गया है, वाटर वर्क किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से, चारों तरफ ये जो फाउंटेन लगाए गए हैं रेलिंग्स के अंदर, और ये जो पत्थर वगैरह है ये आप ट्रीज देख सकते हैं, आपको खुद से पता लग जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ें हुई है। यहाँ पे गेट्स जो है यूज़ करे गए, रेलिंग्स यूज़ करी गई है, स्टीयरिंग व्हील्स, गैस और सिलेंडर्स यूज़ करे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें दिख जाता है हवा महल जो कि नेक्स्ट थिंग है यहाँ की, जिसे हम खिड़कियों का जालीदार इतिहास भी कहते हैं, और इसका जो क्लोन डिटेल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब हम दिखाते हैं आपको इसके बारे में, तो ये इस कॉर्नर से देखें आप कितना ज़्यादा जो है मतलब सुंदर लुक यहाँ से इसका खिल के आया है, और फ्रंट से देखें तो ये कुछ इस तरीके का है। तो जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या होने वाली है, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। 3D पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरे को, तो यहाँ पे आ गया है गोल गुंबद, देख सकते हैं इसका ओरिजिनल डिटेल, एंड देन ये इसका आ गया है आपका क्लोन डिटेल, आप इसे रीड कर सकते हैं वीडियो को रोक के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक जो है कैसा दिखने में लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल वर्क इसमें जो किया गया है वो इसकी सुंदरता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। हम आपको इसका गेट का लुक दिखाते हैं जो कि बिल्कुल रियल से मैच हो रहा है, और अगर हम आपको इसको हल्का सा राइट से दिखाएं इसका पिलर की साइड से तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सुंदर इसका एक जो लुक है देखने को मिल जाता है, बारीकी से किया गया काम तारीफ लायक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे मैं कुतुब मीनार दिख जाता है जिसकी ओरिजिनल डिटेल्स ये रही आपके सामने, और ये है इसकी क्लोन डिटेल्स कि इसमें क्या यूज़ किया गया है आप इसे पढ़ सकते हैं। तो लुक देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का है, मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं ये कुतुब मीनार आपको दिख जाएगा, और साइड में काफ़ी अच्छी सेटिंग लोकेशन यहाँ पे लोग फोटो खिंचवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ में दिख जाता है नालंदा जो कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, यहाँ पे आपकी ओरिजिनल डिटेल्स हैं, एंड देन आपको दिख जाती है इसकी क्लोन डिटेल्स, और
अब आप देख सकते हैं कि ये जो है दिखने में कैसा लग रहा है। सो एंजॉय। काफ़ी ज़्यादा सुंदरता से जो है इनकी मूर्तियों को तराशा गया है, वेस्ट मटेरियल से भी बिल्कुल ओरिजिनल लुक है। और जैसा ये ओरिजिनल में है वैसा ही यहाँ पे इसका कॉपी बनाने की कोशिश की गई है काफ़ी सुंदर तरीके से। बस फर्क इतना है कि दोनों के साइज में फ़र्क है, बाकी सब टू कॉपी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा मीनाक्षी मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ओरिजिनल डिटेल्स इधर से कुछ इस तरीके से ओरिजिनल में दिखता है। और अगर हम आपको दिखाएं इसकी कॉपी डिटेल्स तो वो ये रही, आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो इसका जो फर्स्ट लुक है वो कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बारीकी से एक एक मूर्तियों को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और तारीफ के लायक है। यहाँ पे साइड में हमें दिख जाता है एक छोटा सा बनाया हुआ बैल, और एक हमें यहाँ पे दिख जाता है मैन मेड ग्रास से बना हुआ लॉयन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ। साइड से आपको मंदिर का लुक भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो वैसे हम यहाँ से आगे बढ़े ही थे नेक्स्ट के लिए, बट हमें सामने दिखी एक और वेंडिंग मशीन जहाँ पे साइड में एक डस्टबिन था जो कि ओवरलोडेड था, और यहाँ पर जो कचरा है वो इसके आसपास में पूरी तरीके से फैला हुआ था। ना तो कोई टूरिस्ट पे ध्यान दे रहा है और ना ही यहाँ का कोई सफाई कर्मचारी, तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को दिखा सफाई के लिए। सो यहाँ से अब हम आगे जा रहे थे तो हमें एक बहुत ही बड़ी सी सोलर प्लेट से ढकी हुई एक त्रिपाल टाइप का बना हुआ गैलरी टाइप का दिखा, बट यहाँ पे जो सोलर प्लेट है ये एनर्जी स्टोरिंग के लिए काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। नेक्स्ट हमें मिल जाती है बद्रीनाथ मंदिर की ओरिजिनल डिटेल्स यहाँ पर, जो कि आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाती है इसकी क्लोन डिटेल्स जो कि क्या क्या यूज़ करा गया बताता है हमें। और अगर हम पीछे मुड़ के आपको दिखाएं तो यहाँ पे आपको बद्रीनाथ मंदिर का जो यहाँ पे बिल्कुल जो तरीके का 3D जो फ्रंट तैयार करके दिखाया गया है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, क्योंकि मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हमें दिख जाता है द्वारकाधीश का मंदिर, तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, इसकी जो ओरिजिनल डिटेल्स हैं आप पढ़ सकते हैं यहाँ से वीडियो को रोक के, और इसका जो क्लोन डिटेल है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको दिख जाता है द्वारकाधीश टेम्पल का लुक, जो कि एकदम ओरिजिनल 3D लुक लग रहा है देखने में। झंडे की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा से ही लहर रहा हो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मजेदार है। हमारा नाम लखन सिंह। तो मेरा नाम लखन सिंह है और भैया यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ में घूमने आए हैं। 2100 रुपए का खर्चा भैया इसमें किया है। ऐसा दिख रहा है तो आज भैया की जो जेब है वो थोड़ी
खाली हो चुकी है, खाली करी है भाई, जज्बात बदल दिए, पर्स खाली करा दिया कसम से देख ले भैया। बताइए आपने जगह कैसी लगी? मस्त लगी भाई। सो गाइस अभी हमें पीछे काफी ज्यादा फ्रेंड फैमिली मिली, उनसे हमने बात भी करी, हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा पार्क। तो अब हम आ गए सांची के स्तूप पे, देखिए इसके अंदर डिटेल्स कुछ ऐसे हैं, और ये आ जाती है इसकी कॉपी की डिटेल्स जो यहाँ पे बनाई गई है, क्या इनमें मटेरियल लगा है, क्या अच्छी चीज यूज करी है। तो ये आ जाता है इसका लुक फर्स्ट जो आपको अब दिखेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिख जाता है एक महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा, जो की पूरी तरीके से वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है, काफी ज्यादा सुंदर लुक इसका खिल के आता है इधर। और ये हमारा स्तूप है सांची का। अगर इसका पहले द्वार की बात करी जाए तो आप यहाँ से इसका पहला द्वार देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो इसका लुक है बहुत ही ज़्यादा औसम है, और काफ़ी ज़्यादा बारीकी से गेट पे जो हर एक चीज़ों को ध्यान में रख के तराशा गया है, जिससे कि ओरिजिनल और कॉपी में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ये डांसिंग डॉल्स और हाथी के जो स्टैचूस हैं इसमें जो लगाए गए हैं, अलग ही सा लुक आ रहा है। आगे चले हम यहाँ से, तो देखें हमें हमारे राइट साइड में इसमें पूरे स्तूप की ओर बैठने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से जगह बनाई गई है। और अगेन हम देखते हैं तो गेट में काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है, मतलब टू कॉपी ओरिजिनल की तरह बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ से आगे जाते हैं तो हमें इस स्तूप की सीढ़ियाँ भी दिख जाती हैं, जो कि बहुत ही सरकरी होती थी और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही लग रही है ये भी। सो आगे चल के हमें एग्जिट गेट के पास यहाँ पे सांची स्तूप का फोर्थ गेट भी दिख जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये भी तराशा गया है, और इसमें सिंह के जो डिज़ाइन है काफ़ी बारीकी से बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये भी। तो यहाँ से बाहर जाते ही हम लोगों को दिख जाता है यहाँ पे वेस्ट वंडर का एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर है वॉशरूम भी अवेलेबल। सो नेक्स्ट यहाँ पे मिला रानी विक्टोरिया पैलेस, और यहाँ पर इसकी ओरिजिनल डिटेल्स और इसकी कॉपी डिटेल्स की बात कर जाए तो आप उसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं अब इसका लुक ये कैसा दिखने में लगता है, तो इंजॉय करिए। वाओ सच अ ग्रेट लुक, मतलब मज़ा ही आ गया। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हम्पी रथ, और हम्पी रथ की यहाँ पे ओरिजिनल और क्लोन डिटेल्स ये रही आपके सामने, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सो यहाँ हमें दिख जाता है सबसे पहले ये वेस्ट चीजों का इतना सुंदर यूज, जो कि एक प्यारा सा हाथी बना के दिखा दिया गया है। ये हमारा जाता है हम्पी रथ का फ्रंट का जो लुक है किस तरीके से लगता है विद देयर टू एलिफेंट्स, एंड यहाँ पे हम देखते हैं व्हील कितने ज्यादा सुंदर जो यहाँ पे लुक दिया गया है व्हील का, काफ़ी ज़्यादा पुराने ज़माने का मतलब जो लुक दिया गया है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। सो गाइस नेक्स्ट जो आपको डिटेल दिख रही है वह है ताजमहल की, ये है उसकी ओरिजिनल डिटेल्स, और यहाँ पे आए हैं उसकी क्लोन डिटेल्स, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो फाउंटेन है और जो आसपास जो ट्रीज लगे हुए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लुक यहाँ से दिखता है ताजमहल का, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है मैसूर पैलेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, ये इसकी ओरिजिनल क्लोन डिटेल्स जो आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये है इसका लुक कुछ इस तरीके के दिखता है। लाइट्स जो है चालू हो चुकी हैं अब, और जो लाइट्स हैं उनका इफेक्ट अभी काफ़ी कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बाकी रात में और ज़्यादा बढ़िया दिखने वाला है। तो गाइस नेक्स्ट आ गया है चार मीनार यहाँ पर, और यहाँ पर इसके ओरिजिनल और जो क्लोन डिटेल्स हैं वो आपको दिख रही हैं। लुक इसका कुछ इस तरीके का है, लाइट्स यहाँ पर जल चुकी हैं अभी, पर लो लाइट इफेक्ट है, तो आप इसे देख सकते हैं कितना सुंदर जो इसका लुक यहाँ पर आया हुआ है। वाओ अमेजिंग। सो गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है यहाँ पे कोणार्क मंदिर, कोणार्क टेम्पल, इसकी ओरिजिनल डिटेल्स ये थी, और यहाँ पे इसकी क्लोन डिटेल्स। मंदिर दिखने में कुछ ऐसा है, सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ इसको और भी ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है। मंदिर का टॉप देख सकते हैं और पिलर्स देख सकते हैं कितने बारीकी से जो यहाँ पे बनाए गए हैं, दोनों साइड जो हॉर्स यहाँ पे लगाए गए हैं काफ़ी सुंदर है, और ये जो व्हील्स है साइड में मंदिर के ये तो बहुत ही ऑसम लगे मेरे को। आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और यहाँ से आगे हम जाते हैं और देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या दिखने वाला है। तो यहाँ पे आ जाता है अजंता एंड अलोरा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी ओरिजिनल एंड क्लोन डिटेल्स, और ये आ गया है महात्मा बुद्ध का लेटा हुआ काफ़ी अच्छा स्टैचू, और यहाँ से हमें दिख जाता है स्ट्रक्चर जो काफ़ी प्यारा सा बना हुआ है,